I've fallen in love with I love. I love you. Él bole, wow. भ्राताश्री, क्या अनुज? समस्या ये है कि हम लोग इतने वर्षों के उपरांत माता श्री की सेवा में जा रहे हैं, तो इसमें इतना घबराने की क्या आवश्यकता है शतानिक? क्या माता श्री बताए बिना हमें पहचान लेंगी? पहचान क्यों नहीं लेंगी? माताओं के पास अपने पुत्रों को देखने और पहचानने के लिए एक तीसरी आंख जो होती है, और ये तीसरी आंख तो अपने पुत्रों को पहचानने में भूल कर ही नहीं सकती। फिर भी यदि उनसे हमारा परिचय करवाने के लिए श्री कृष्ण मामा भी साथ होते तो असमंजस की यह समस्या ही न खड़ी होती। अब इसमें तो बड़ा परायापन लग रहा है कि मैं चरण स्पर्श के उपरांत कहूं कि हे माता श्री, मैं अर्जुन पुत्र श्रुतकर्मा हूं। वे तुम्हें ये कहने का अवसर ही नहीं देंगी। फिर भी यदि श्री कृष्ण मामा साथ होते तो अच्छा ही होता। अब तो चिंता ही न करे सुत सोम भैया, यदि आप परिचय न भी दें तब भी आप पहचान लिए जाएंगे कि आप मंजले ताऊ भीम के सुपुत्र हैं। देखो शैतानिक, यदि मैंने नकुल काकाशी से कह दिया कि तुम मुझे सताते रहे तो क्षमा करना भैया। फिर भी समस्या तो वही की वही है कि अपनी माता से अपना परिचय करवाने में असमंजस की स्थिति तो है। मुझे तो वो ठीक से याद भी नहीं भ्राताश्री। चिंता ना करो श्रुतसेन, हम उन्हें भली भांति याद होंगे। चलो। ये तो आपका बड़ा अन्याय है केशव, मेरे पुत्रों को भी अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैंने तो इनसे बहुत कहा दी थी, परंतु ये वाला किसी की सुनते हैं? अच्छा, तो अब द्रौपदी से मिल गई? इसमें मिलने न मिलने का क्या प्रश्न है, ये तो स्वयं माँ है, माँ की पीड़ा को माँ ही समझ सकती है ना। 13 वर्षों के वियोग का अर्थ तो आप समझते होंगे देवकी नंदन। तो इसे मेरा निहित स्वार्थ मान लो। भाई से मिलने का स्वाद पुत्रों को मिलने के स्वाद से बिल्कुल भिन्न होता है द्रौपदी, और मैं ये दोनों स्वाद लेना चाहता था। फिर ये कि इस दृश्य से अच्छा तो कोई और दृश्य हो ही नहीं सकता कि स्वयं माता अपने पुत्रों का चुंबन ले रही है, और मैं ये दृश्य चैन से बैठकर देखना चाहता था, इसलिए सुभद्रा को लेकर पहले ही तुम्हारे पास चला आया। और सबसे तो मिला चुके होंगे? नहीं, पुत्रों पर पहला अधिकार केवल माता का होता है। आयुष्मान भवा, तुम्हारे केशों से तो मेरी सुभद्रा की सुगंध आ रही है, तो फिर तुम अभिमन्यु हो। ये क्या घिसा हुआ आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी कि आयुष्मान भवा? जो भी चरण स्पर्श कर लेता है वो ये आशीर्वाद तो पा ही जाता है। मुझे अपने भांजे के लिए तुम्हारा ये आशीर्वाद स्वीकार नहीं है, ये यथेष्ट नहीं है। ये एक विशेष व्यक्ति है, इसे कोई विशेष आशीर्वाद दो। तो फिर आप ही बताइए मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? तुम माता हो, त्रिलोक तुम्हारी मुट्ठी में है, जो चाहे दे दो, किंतु कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि लोग पहचान लें कि ये तो द्रौपदी ने दिया हुआ और अभिमन्यु को मिला हुआ आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद तुमने इसे दिया वो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तुम तो कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे क्षत्रियता की सुगंध आती हो। भगवान तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मबल की रक्षा करे। इतिहास सदैव तुम्हारा नाम उसी आदर के साथ ले जिसके साथ वो तुम्हारे पिताश्री का नाम लेने वाला है।
हे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम स्वयं ही अपना परिचय बनो और तुम्हारा नाम वीरता का प्रतीक बन जाए। भगवान तुम्हें अपने शेष पुत्रों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचाओगी कृष्णे? पुत्र प्रतिविंध्य, ब्राह्मण वाला आशीर्वाद तो दे नहीं सकती, इसलिए यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम धर्मराज के पुत्र हो तो धर्म के काम आओ। किंतु अपने बड़े भैया को पहचाना कैसे माता श्री? जैसे तुम्हारी चंचलता से पहचाना कि तुम शतानीक हो, वैसे इसके व्यक्तित्व शील और दृढ़ता से पहचाना कि ये प्रतिविंध्य है। बड़े भैया ठीक ही कहा करते थे कि माता श्री के पास तीसरी आंख भी होती है। माता के पास केवल एक तीसरी आंख ही नहीं होती पुत्र सुत्सोम, उसके पास एक और हृदय भी होता है जिसमें केवल उसके पुत्र रहते हैं। देख रही हो ना सुभद्रे, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कक्ष में तुम और हम है ही नहीं। मैं तो चला। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो माधव। तुम भला किसी कक्ष में समा सकते हो? तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़ा हृदय भी छोटा पड़ जाए। परंतु ममता से ईर्ष्या तो न करो। मैंने इन इच्छाओं को 13 वर्षों के पश्चात देखा है। जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों की ओर नहीं देखूंगी। कृष्णे, मैं तो केवल ठठोल कर रहा था। माता और पुत्र का संबंध भक्त और भगवान के संबंध से भी कहीं अधिक भरपूर होता है, और यदि ऐसा न होता तो तुम जिसे नारायण कहती हो वो प्रकट होता, जन्म नहीं लेता। इसलिए जी भर के इन पुत्रों का लाड़ करो। मुझे तो इस शुभ विवाह के लिए आए हुए आदरणीय अतिथियों की देखभाल करनी है। ये विवाह भरतवंशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव पुत्री। कीर्तिमान भव। सौभाग्यवती भव। कीर्तिमान भव पुत्र। सौभाग्यवती भव। कीर्तिमान भव। आयुष्मान भव पुत्र।